दोस्तों, अगर आप अगस्त और सितंबर में अधिक से अधिक प्लांट प्रोपोगेट करना चाहते हैं, बस आपको ये चार बातें ध्यान में रखनी है। आप अधिक से अधिक प्लांट चुटकी बजाते ही जो है प्रोपोगेट कर लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 50 कुछ ऐसे प्लांट बताऊंगा जिसको हर कोई बहुत दिल से पसंद करता है और उन्हें बहुत आसानी से प्रोपोगेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। ये तो सब जानते ही हैं कि कुछ प्लांट्स को जो है कटिंग के द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है और कुछ प्लांट्स को जो है रूट डिवीजन के द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो हवा में ही जो है अपनी रूट्स निकाल लेते हैं और आप उनको बहुत आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। सबसे पहला नाम आता है बॉस्टन फर्न का। ये देखिए, हवा में ही जो है ये अपने प्लांट बना लेती है। और ये देखिए स्पाइडर प्लांट, इसके रूट्स देख रहे हैं अच्छे से निकल आए हैं, हवा में ही जो है इसने अपना प्लांट बना लिया है। तो दोस्तों, मनी प्लांट को कौन नहीं जानता। मनी प्लांट की गोल्डन मनी प्लांट, मार्बल मनी प्लांट और एंजॉय मनी प्लांट और नॉर्मल मनी प्लांट, सबको जो है आप आसानी से जो है इसमें लगा सकते हैं। देखिए जनाडू, इसकी भी आप देख पा रहे हैं, ये रूट इसने अपने आप निकाल लिया है, हवा में ही पौधा बना लिया। ये देखिएगा, ये सिंगोनियम है, आप देख पा रहे हैं कितनी सारी रूट्स इसकी निकल आई हैं। आप इसको यहीं से कट करके लगा सकते हैं। ये सिंगोनियम की और वैरायटी दिखा रहा हूँ, बहुत सारी वैरायटी जो है सब की सब लगाई जा सकती है। फिलोडेंड्रॉन भी जो है हवा में रूट बना लेता है और वहां से कट करके आप इसको लगा सकते हैं। देखिए ये फाइकस की एक वैरायटी है, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये सारे रूट्स इसने यहाँ पे निकाल लिए हैं, आप यहीं से कटिंग करके इसको बना सकते हैं। ये देखिए सिंगोनियम की एक वैरायटी है, बिल्कुल इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होता है। आप देख पा रहे हैं इसकी रूट, देखें आप कितने रूट्स इसने हवा में बना लिए हैं। मैं इसको दिखाता हूँ, तकरीबन 1.5 फुट की जो है रूट इसने निकाल ली है। आप ये देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ही हैरान करने वाली चीजें हैं जो मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। ये देखिए, मैं और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, सब जगह इसने रूट्स बना ली हैं। तो ये हवा में ही पौधा बन जाता है, आप यहाँ से कट करें और लगा दें, बहुत आसानी से आपका पौधा लग जाएगा। दोस्तों, ये फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है, आप ये देखिए, ये भी जो है हवा में रूट्स निकाल लेती है और आप यहीं से कट करके इसको प्रोपोगेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम ब्रोकन हार्ट को भूलेंगे, ये जो है ब्रोकन हार्ट के साथ अन्याय होगा। दोस्तों, ऐसे और भी बहुत से प्लांट है जो हवा में जो है बन जाते हैं, अपनी रूट्स निकाल लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं रूट डिवीजन के द्वारा कौन कौन से प्लांट बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, ये एस्पैरेगस है, एस्पैरेगस भी जो है रूट डिवीजन के द्वारा प्रोपोगेट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी प्लांट्स जो नीचे से बेबीज देते हैं उन सबको रूट डिवीजन के द्वारा अलग किया जा सकता है, जिसके अंदर ये बॉस्टन फर्न भी जो है शामिल है। ये ऊपर से भी इस ढंग से प्लांट बनाती है और इसी से जो है नीचे जड़ें बनाती हैं और फिर वो जड़ों को जो है आप रूट डिवीजन के द्वारा अलग कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार जो है एग्लोनेमा को रूट डिवीजन के द्वारा और कटिंग के द्वारा दोनों माध्यम से लगाया जा सकता है, क्योंकि इस समय हम अगस्त और सितंबर में लगाए जाने वाले पौधों की बात कर रहे हैं और अलग अलग माध्यम से लगाए जाने वाले पौधों की बात कर रहे हैं। तो एग्लोनेमा का नाम भी जो है इसमें शामिल होता है। आप ये देखिए, जैसे अगर हम इसकी जब कटिंग कर देते हैं, देखिए ये हमने कटिंग करी थी इसकी, और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, इसमें फुटाव आ रहे हैं, जब तक ये फुटाव पूरा जो है निकल के नहीं आ जाता है तब तक जो भी रूट्स अर्न कर रही है जमीन से या गमले से, उससे जो है नए बेबीज निकलते हैं। मैं एक जगह और दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये एवरग्रीन एग्लोनेमा है, आप देखिए इसके द्वारा भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, ये इसकी जो है बड़ी हार्ड स्टैम्प वाले चार प्लांट इसके थे, जो मतलब पहले के थे, और ये आप देख पा रहे हैं नीचे से नए जो है प्लांट्स निकल के आए हैं। तो इसको रूट डिवीजन द्वारा भी अलग किया जा सकता है, और अगर हम इसको काट दें, कटिंग करके इसको लगा दें, तो ये यहाँ से नए फुटाव करके अपने जो है प्लांट को बड़ा करेगा, और ये जो कटिंग होगी इससे भी जो है हम बहुत आसानी से प्लांट को लगा सकते हैं। दोस्तों, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि सिंगोनियम प्लांट के ऊपर से रूट निकल आती हैं, आप देख पा रहे हैं, तो अगर हम इसको यहाँ से भी कट कर लें और कुछ पत्तों को हटा दें तो इसको यहाँ से भी लगाया जा सकता है। और आप देख पा रहे हैं कि नीचे से इसने बहुत सारे प्लांट निकाले हैं, ये जो है बेबीज निकल के आए हैं। तो रूट डिवीजन और कटिंग के द्वारा दोनों माध्यम से सिंगोनियम को भी अलग किया जा सकता है। आप देखिए कितना अच्छा प्लांट है, कितना हैवी डेंसिटी लिए हुए है। दोस्तों, इसी प्रकार स्नेक प्लांट को भी कटिंग के द्वारा से भी लगाया जा सकता है और रूट डिवीजन से भी लगाया जा सकता है, क्योंकि ये नीचे से बहुत सारे पप फेंकता है और फिर आप उनको अलग करके अलग से प्लांट्स बना सकते हैं। दोस्तों, यही बात फिलोडेंड्रॉन की इस वैरायटी से भी जुड़ी हुई है। आप देखिएगा, आप जैसे इसके यहाँ से रूट्स निकल आए हैं, और जगह ये देखिए यहाँ से रूट्स निकल रहे हैं, आपको मैं दिखाने में शायद कामयाब हो रहा हूँ। तो इसकी अगर हम यहाँ से कटिंग कर दें और कुछ पत्ते हटा दिए जाएं, तो यहाँ से जो है ये कटिंग के द्वारा, और ये आप देख पा रहे हैं साइड से रूट नीचे से अलग अलग नए बेबी निकल के आए हैं।
तो रूट डिवीजन और कटिंग दोनों के द्वारा आप जो है फिलोडेंड्रॉन की इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं और अन्य वैरायटियों को भी इसी ढंग से लगाया जा सकता है। एक थोड़ा सा उदाहरण के लिए और बता देता हूं, देखिए ये भी एग्लोनेमा है, इसकी मैंने कटिंग्स करी थी, ये देखिए नीचे से जो है इसके प्लांट निकल के आ रहे हैं, और ये देखिए ये कटिंग वाला प्लांट है जो हमने कटिंग से लगाया था, और ये पहले का लगा हुआ था, ये इसके नीचे से निकल के आया था जब इसकी कटिंग करी थी, इससे पहले ये निकल के आ चुका था। अब ये नीचे से और प्लांट बन रहे हैं और साथ में एक प्लांट ये खड़ा हो गया, और आप देख रहे हैं इसकी डेंसिटी को बढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों यही बात जो है जनाडू के लिए भी कही जा सकती है। आप ये देखिएगा ये रूट है, आप देख पा रहे हैं ये रूट निकल के आई है यहाँ से, इसका मतलब है ये यहाँ से इसको भोजन प्रोवाइड कर रही है। तो अगर हम इसकी यहाँ से कटिंग कर दें और इसके थोड़े पत्ते हटा दें, तो पत्ते इसलिए हटाने पड़ते हैं क्योंकि एक ही रूट के ऊपर ये जिंदा होगा, तो आप इसके पत्ते थोड़े से हटा दें तो इसको जो है कटिंग के माध्यम से लगाया जा सकता है, और नीचे से जैसे ये देख पा रहे हैं नए बेबीज प्लांट निकालता रहता है, और आप रूट डिवीजन के द्वारा भी इसको लगा सकते हैं। रूट डिवीजन के द्वारा लगाए जाने वाले पौधों में पेंडरनस का भी नाम है। आप ये देखिएगा इसको इस ढंग से जो है नीचे से बेबी निकालता है ये, तो आप नीचे बेबी से लेकर इसको जो है लगा सकते हैं। दोस्तों स्पाइडर प्लांट को भी रूट डिवीजन और कटिंग के माध्यम से लगाया जा सकता है, आप देख पा रहे हैं, ये देखिएगा इसकी ये जड़े के साथ जो है हैंग हो रही है, रनर्स में प्लांट हैंग हो रहे हैं और जिनके नीचे जड़े निकल आई हैं, तो इसको हम कटिंग के माध्यम से मानेंगे, और जो बिल्कुल नीचे से पप निकल के आते हैं उनको हम रूट डिवीजन के हिसाब से समझेंगे। टेंड्रिकल सेंसिवेरिया को भी दोनों माध्यम से लगाया जा सकता है, आप इसके पत्ते की कटिंग करके भी इसको लगा सकते हैं, और ये देखिएगा ये नीचे से जैसे नए फुटाव निकलते हैं, इसके माध्यम से रूट डिवीजन से भी अलग करके दोनों ढंग से इसको लगाया जा सकता है। दोस्तों स्पाइडर लिली, हमार लेल, इनको भी जो है रूट डिवीजन के द्वारा से लगाया जा सकता है। हम कटिंग और रूट डिवीजन दोनों बातों को एक साथ लेके चल रहे हैं क्योंकि बहुत से पौधे ऐसे हैं जो दोनों ढंग से लगाए जा सकते हैं, इसलिए हम दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। अब ये देखिएगा सन ऑफ इंडिया का जो है ग्रीन वैरायटी, इसको भी कटिंग के माध्यम से बहुत अच्छे से लगाया जा सकता है। अब ये देखिएगा ये कलांचो है, कलांचो इंग्लिश कलांचो, हाइब्रिड कलांचो, इसको भी कटिंग के माध्यम से लगाया जा सकता है, इसको भी हम कटिंग के माध्यम से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बोगनविला के कोई नीचे से प्लांट निकल के नहीं आते हैं, इसको कटिंग के माध्यम से ही लगाया जा सकता है। पीस लिली में भी कोई राइजोन नहीं होते हैं, नीचे से इसके कोई बेबी निकल के नहीं आते हैं, इसको हम कटिंग के माध्यम से ही लगा सकते हैं, उसको भी हम कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया के बारे में दिखाना चाहूंगा, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया देखिए काफी बड़ा हो गया, अब इसके जो है नीचे से पप निकल के आए हैं, पहली बार मैंने देखा है, वैसे जनरली जो है हम कटिंग से ही लगा रहे थे, लेकिन ये नीचे से आप देख पा रहे हैं ये तीन जो है बेबी निकल के आए हैं, तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि दो महीने के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी हाइट पकड़ ली है, तो इसको जो है रूट डिवीजन और कटिंग दोनों के द्वारा लगाया जा सकता है। इसको भी दोस्तों अगस्त और सितंबर में बहुत आराम से कटिंग के द्वारा लगाया जा सकता है। दोस्तों ये राखी बेल है, इसको भी जो है कटिंग के द्वारा लगाया जा सकता है, राउंड की इस वैरायटी को भी कटिंग के द्वारा और रूट डिवीजन दोनों ढंग से लगाया जा सकता है। प्लांटिंग जू को कटिंग के माध्यम से ही लगाया जाता है, जैसे हमने जो हवा में बन जाने वाले प्लांट में इसका भी नाम आता है। देखिए मैंगो ट्री है, मैंगो को भी जो है कटिंग के द्वारा लगाया जा सकता है। दोस्तों गुड़ेल को भी जो है कटिंग के माध्यम से ही हम लगा सकते हैं। कॉर्डीलाइन फ्रूटिकोसा का प्लांट है, इसको भी कटिंग के माध्यम से लगाया जाता है। दोस्तों मोर पंखी को भी कटिंग के द्वारा लगाया जा सकता है, ये देखिए मैंने लगाई है और ये लग गई है। दोस्तों ये टकोमो का प्लांट है, इसको भी जो है कटिंग के माध्यम से लगा सकते हैं, देखिए ये मैंने लगाई थी और ये लग गई है यहाँ पे। दोस्तों सफलेरा की वेरीगेटेड और नॉन वेरीगेटेड दोनों वेरायटी को आप कटिंग कैसे लगा सकते हैं। रैफिस पाम है, रैफिस पाम को खाली रूट डिवीजन के द्वारा लगाया जा सकता है, इसको कटिंग के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों अरेका पाम को भी जो है खाली रूट डिवीजन के द्वारा लगाया जा सकता है, कटिंग्स के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। रायसीना की इस वेरायटी को भी हम कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। दोस्तों पत्थर चट के पौधे को हम पत्ते के द्वारा, कटिंग के द्वारा और रूट डिवीजन तीनों ढंग से लगा सकते हैं। दोस्तों मोगरा को भी जो है कटिंग के द्वारा लगाया जा सकता है, मोगरा को कटिंग से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। दोस्तों कनक चंपा को भी लगाया जा सकता है, पलार्ट, सब तरीके के कैक्टस, समी, वेरीगेटेड फाइकस, एविल बैकबोन, सिगन पटूनिया, ची गुड़ेल, कनेर को जो है कटिंग के माध्यम से लगा सकते हैं।